अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी राजमा। राजमा मतलब लाल लोबिया। तो ये इंडिया में इसको राजमा बोला जाता है और पाकिस्तान में इसको लाल लोबिया और कुछ इसको कहते हैं कैप्सोल। तो ये देखें जी, ये है लाल लोबिया। इसको मैंने भिगोया हुआ था, पिया हुआ था सुबह का। अब मैंने इसे पानी में डाल के हल्का सा बॉयल कर लिया और इसका पानी में सूट दूंगी, ये कलर जो है इसका निकल जाएगा रेड सा। तो ये जी हमारा नीचे वाला चूल्हा जो था वो तो हो गया था ख़राब, वो चल नहीं रहा था, तो हमने एक और चूल्हा ऊपर लगा लिया नेचुरल कट। तो उसके ऊपर मैंने ये चढ़ा दिया है प्रेशर और प्याज सूट के इसको लूसने के लिए रख दिया है। एडी उतरे टमने पर मैंने प्रेशर चढ़ाया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो सीढ़ी लगा के ना तो आज हांडी पकानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जी मैंने टमाटरों को भी वाटर टूक के रख लिया है और इसको हम करेंगे फ्राई। और इसमें अब मैं सूटने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी फ्रेंड, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट सूट दिया, इसको मैं भून लूँगी। तो जी फ्रेंड, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तो हो गया लाल। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, इसको भी छत्ती छत्ती से भून लेंगे इसके साथ ही। जी फ्रेंड, ये मैंने निकाल लिए हैं सारे मसाले, सूखा हुआ धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, नमक, ये देखें मैंने थोड़ा सा पाया है, बाद में फिर डालेंगे क्योंकि नमक आजकल गीला तो तेज़ हो जाता है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला अभी इसमें डाल दूँगी। अब ये सारे मसाले मैंने इसमें सूट ही दिए हैं और अब मैं इसको भून लूँगी चंगे तरीके से। तो फ्रेंड, एडा ऊंचा तो मेरा चूल्हा है तो मुझे तो मसाला नज़र ही नहीं आ रहा, तो आप ही देख के बता देंगे मेरा मसाला सही भुना गया। तो जी फ्रेंड, ये मसाला जो है इसका भुना गया और इसका घ्यो भी सारा निकल आया है। अब मैं इसमें सूटने वाली हूँ ये राजमा, ये जो है लाल लोबिया। और इसको भुनेंगे थोड़ा सा। तो जी फ्रेंड, हमने इसको भून लिया, इसमें हम सूटेंगे पानी जो हमने गरम करके रखा हुआ था। और लगा देंगे प्रेशर। और जी फ्रेंड, हम इसके चीके मारने तक करेंगे इसका वेट। लें जी फ्रेंड, हमारा जो प्रेशर है वो चीक चिकाड़े पे आ गया हुआ है, अब हम इसका टाइम लगाएंगे। तो जी गाइस, हमारा राजमा तो हो गया है रेडी। ऊपर से हमने पूरी पूरी सबूती मिर्चें तोड़ दी हैं क्योंकि काट के डालते हैं तो मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा राजमा है ऐसे बना, बहुत ही मज़े का बना है, स्वादिष्ट। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी रखी है, पंगड़ बानी शोरबा नहीं लगाया मैंने। ये देखें जी राजमा। तो जी गाइस, आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।